किसके सर पे सजेगा ताज? आज 4 तारीख है और बता दें आपको कि कठुआ उधमपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से एक कड़ा मुकाबला जो है वो 19 अप्रैल को देखने को मिला था। बता दें आपको कि आज जो है आज वोटिंग होने वाली है और अब से कुछ ही मिनटों में जो है मतगणना जो है वो यहाँ पर शुरू होगी और आज एक नया एमपी जो है कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र से आज लोगों को मिलने जा रहा है। आज लोकतंत्र का एक नया एक इतिहास जो है वो भारतवर्ष में लिखा जाएगा। आज 2024 है और बता दें आपको कि आज बात करें तो आज ही भारत में जो है नई सरकार जो है बनने जा रही है और इस समय जो है हम कठुआ में मौजूद हैं और कठुआ में आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही मिनटों में जो है यहाँ पर मतगणना जो है वो शुरू होगी। और यहीं से आपको बता दें हम कि यहाँ पर इस समय काफी ज्यादा इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से भी किए गए हैं और बता दें आपको कि कठुआ में अब से कुछ ही मिनटों में जो है मतगणना जो है वो शुरू होगी और एक कड़ा मुकाबला है जो देखा गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्सेज चौधरी लाल सिंह के बीच में। और जहां पर लगातार बात करें जमुई ऐसी सीट की तो वहां पर भी डॉक्टर माफ कीजिएगा रमन भल्ला और डॉक्टर जुगुती और शर्मा के बीच में भी एक कड़ा मुकाबला जो है वहां पर देखा गया था। लेकिन आज जो है जिस तरह से एग्जिट पोल जो है वो सामने आए हैं जिसमें कि एनडीए जो है 350 से 400 के बीच की सीटें जो है वो लेती दिख रही है। वहीं जो इंडिया अलायंस है वो ये कह रही है जो एग्जिट पोल है वो मीडिया पोल है और जो इंडिया अलायंस जो है वो 295 के पास की जो सीटें हैं वो लेगा और इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बनाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जिसमें कि ये साफ तौर पर पता लग सकता है कि एक बार फिर एनडीए जो है वो देश में सरकार बना रही है जिस तरह से जो एग्जिट पोल जो है वो दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो है वो अब से कुछ ही मिनटों में जो है यहाँ पर काउंटिंग जो है वो शुरू होगी और कुछ ही समय में जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन जो 2 सीटों पर भाजपा ने जो अपने उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में उतारे हैं ये देखना होगा कि क्या 2 सीटों पर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो क्या खरे उतरते हैं या कांग्रेस जो है इस पर बाजी जो है वो मार लेगी। जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय इन सीटों पर जो है वो पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और ये देखना होगा कि किस तरह का प्रदर्शन जो है वो रहता है। काफी कड़ा मुकाबला जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह बसी चौधरी लाल सिंह का जो है वहां पर रहा था। लेकिन आज जो है पूरे भारतवर्ष के लिए जो है काफी बड़ा दिन है क्योंकि आज का दिन जो है वो लोकतंत्र के लिए बता दें आपको कि काफी ज्यादा खास है। और जहां पर आज जो है इस समय मतगणना जो है अभी कुछ ही मिनटों में यहां पर शुरू होगी और काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर बात करें तो वो यहां पर किए गए हैं। ये देखना होगा कि इस बार देश में किसकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। आप लोग भी अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में जो है वो साझा बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस समय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं। लेकिन अगर खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से चौधरी लाल सिंह द्वारा कल भी प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा गया था कि हम जो है वो जीत चुके हैं लेकिन केवल जो है कल इंतजार जो है वो बाकी है। लेकिन अब ये देखना होगा क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी मरतबा जो है वो एमपी बनने जा रहे हैं जब कांग्रेस जो है वो वापसी करने जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें इंडिया अलायंस की तो वो ये भी बता रहे हैं कि देश में अब सरकार बदलेगी माहौल बदलेगा और कुछ बदलाव जो है वो होने वाला है। लेकिन इंडिया अलायंस जो है वो 295 की सीटों की जो है वो बात कर रही है। वहीं अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल जो है वो बता रही है कि एनडीए जो है एक बार फिर देश में सरकार जो है बनाने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें जो है इस समय आप देख रहे हैं और इस समय ये तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के परिसर से जहां पर आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों में जो है यहां पर जहां पर जो काउंटिंग है वो भी शुरू होगी। और फिलहाल तस्वीरें जो है इस समय आपको वहां पर प्रेमिसिस की जो है हम वो भी दिखा दें कि आप साफ तौर पर ये प्रेमिसिस की जो तस्वीरें हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की वहां पर देख रहे हैं जहां पर इस समय यहां पर काउंटिंग जो है वो होगी और दोपहर तक जो तस्वीरें जो है वो भी साफ हो जाएंगी देश भर में किसकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। क्या एनडीए एक बार फिर 400 का जो लक्ष्य लेकर वो चल रहे थे क्या 400 पार जो एनडीए वो जाने वाली है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो बता भी रहे हैं कि 350 से 400 के बीच में एनडीए जो है वो सीटें जो है वो लेती दिख रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की तो वो भी बता रहे हैं कि इस बार देश में सरकार जो है वो इंडिया अलायंस जो है बनाने जा रही है। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि कुछ ही मिनटों में जो है वो अब मतगणना जो है यहाँ पर शुरू होगी और दोपहर तक तस्वीरें जो है बुरी तरह से साफ हो जाएंगी देश में किसकी सरकार जो है वो बनने जा रही है। लेकिन आपको बता दें हम 8 बजे जो है ये काउंटिंग जो है वो शुरू होगी जिसके बाद जो है काफी ज्यादा लोगों की जो है वो सबसे ज्यादा आंखें निगाहें जो थी वो कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र से थी क्योंकि काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्सेज चौधरी लाल सिंह का हमें देखने को मिला था और काफी ज्यादा जो है ये हैवी वेट मुकाबला हुआ था। अब से कुछ ही मिनटों में मतगणना जो है यहाँ पर शुरू होगी और यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बता दें आपको कि अब से
कुछ ही मिनटों में ये मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन देश में सबसे महत्वपूर्ण यही सवाल है कि आज लोकतंत्र का महत्वपूर्ण बेहद ही खास दिन है, आज देश में सरकार बनने जा रही है, ये किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या एनडीए एक बार फिर वापसी कर रहा है? क्या एनडीए 400+ जो है वो सीटें ले रहा है? जहाँ इंडिया अलायंस जो है इस बार वापसी कर रहा है, जो 295 की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल को वो मीडिया पोल का नाम दे रहे हैं, क्या ऐसा होगा? क्या देश में सरकार बदली? क्या माहौल बदलेगा? क्या इंडिया अलायंस इस बार देश में वापसी कर रहा है? आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है पल पल की अपडेट जो है कठुआ से हम देंगे, या फिर कठुआ में किस तरह से जो है वो माहौल रहता है, कठुआ में कौन जो है वो बाजी मारता है, जो जब मतगणना जो शुरू होगी पल पल की आप लोगों को अपडेट जो है वो भी आप लोगों तक साझा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो भी साझा करिएगा कि आखिरकार देश में सरकार जो है वो किसकी बनने जा रही है।